एमसीयू की 12वीं फिल्म एंटमैन 1989 में हैंक पिम नाम का एक वैज्ञानिक शील्ड से रिजाइन दे देता है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनके एक फॉर्मूले की कॉपी की जा रही है जिससे कि वो छोटा हो सकते थे और वो जानते थे कि ये बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है आज का समय। तो होप जो कि हैंक की बेटी थी और डैरेन वो दोनों मिलकर स्पेन को निकाल देते हैं उसकी बनाई हुई कंपनी से। वो दोनों एक सूट बनाते हैं जिसको वो बेचने वाले थे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जिसने पिम को डरा दिया। ये है स्कॉट, तो ये जेल से रिहा होता है जो एक चोर होता है और अपनी सज़ा पूरी कर ली होती है तो वो अपने दोस्त के साथ वहाँ पर सेटल हो जाता है। ये उसकी बेटी है कैसी और ये है उसकी बीवी मैगी। इसे खाना मत, ये सिर्फ नाम है इसका मैगी, जो कि नाराज़ होती है स्कॉट से क्योंकि वो एक चोर होता है। और अब स्कॉट एक सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करता है पर उसके ख़राब रिकॉर्ड के कारण कोई उसको काम पर नहीं रखता। लेकिन यहाँ पर यह इसका दोस्त इसके लिए एक प्लान लेकर आता है और स्कॉट को एक चोरी करनी थी तो वो इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एक एडवांस लॉकर तोड़ देता है तो यहाँ पर उसे एंटमैन का सूट मिलता है। लेकिन वो गलती से सूट को यूज़ कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, इस वजह से वो स्कॉट बहुत डर जाता है तो वो वहाँ पर सूट रख देता है वापस और पुलिस उसको पकड़ लेती है। जहाँ पर उसको डाका डालना था वो हैंक का घर था तो वो उसकी हेल्प करने के लिए एंटमैन का सूट उसके पास भिजवा देते हैं जिससे कि वो जेल तोड़कर फरार हो जाए। हैंक पिन उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम कोई चोरी नहीं कर रहे थे, ये हम तुमसे एक टेस्ट ले रहे थे, असल में मैं ये सूट टेस्ट कर रहा था तुम पर और यहाँ पर मेरा सूट और तुम दोनों पास हो गए। तो अब इनका प्लान था कि वो येलो जैकेट उसकी कंपनी से चुरा के लाना और यहाँ पर हमें बताया जाता है और वो उसकी कंपनी में इसलिए थी ताकि वो उस पर जासूसी कर सके। तो वो एक दिन अपनी मम्मी के बारे में पूछती है हैंक से तो हैंक बताता है तुम्हारी मम्मी वास्मी नाम से जानी जाती थी और हम दोनों एक मिशन पे जा रहे थे तो इसी में वो हद से ज़्यादा छोटी हो गई जिसकी वजह से वो क्वांटम रियलम में फंस चुकी है और मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। इसलिए वो स्कॉट को वार्निंग देते हैं कि तुम भी कभी इतने ज़्यादा छोटे मत होना कि तुम क्वांटम रियलम में फंस जाओ। तो यहाँ पर स्कॉट को एक मिशन के लिए भेजा जाता है जहाँ से उसे एक डिवाइस चुराना था एवेंजर्स के हेडक्वार्टर से। यहाँ पर उसे सैम मिलता है जो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में हमें नज़र आया था। तो यहीं पर दूसरी ओर डैरेन वो येलो जैकेट को परफेक्ट कर देता है और बेचने के लिए रेडी हो जाता है। इसी दौरान स्कॉट अपनी टीम के साथ डैरेन के ऑफिस में घुसपैठ कर देता है और उनके सर्वर भी हैक कर लेता है और कुछ बॉम्ब्स भी प्लान कर देता है। वो सूट चुराने के बहुत करीब हो जाता है लेकिन तभी वहाँ पर डैरेन आ जाता है तो वो होप और उसके पापा हैंक पिन को पकड़ लेते हैं और उसे बोलते हैं कि ये दोनों सूट हाइड्रा को बेचे जाएंगे। स्कॉट यहाँ पर आकर इन दोनों को बचाने की कोशिश करता है। यहाँ पर हाइड्रा का एक एजेंट फॉर्मूला लेकर भाग जाता है और हैंक को भी गोली लग जाती है। यहाँ पर ये सारे भाग निकलते हैं। स्कॉट डैरेन का पीछा करता है और वो उससे लड़ता है येलो जैकेट लेने के लिए। यहाँ पर डैरेन उसकी बेटी कैसी को अपने कब्जे में ले लेता है। इस लड़ाई के दौरान एंटमैन बहुत छोटा हो जाता है और इसके सूट के अंदर घुस जाता है और उसका पूरा सूट डिस्ट्रॉय कर देता है और वो जानता था इसके बाद शायद वो वापस ना लौट पाए क्योंकि वो क्वांटम रियलम में फंसना जा रहा था। तो यहाँ पर डैरेन मर चुका था। यहाँ पर एंटमैन रिवर्स कर देता है और वो वापस आ जाता है। यहाँ पर हैंक इससे बहुत खुश होता है, तुम्हें वापस जेल जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हैंक हैरान हो जाते हैं कि तुम वापस कैसे आ गए। तो वो कहते हैं हो सकता है मेरी बीबी भी अभी ज़िंदा हो। उसके बाद लुइस उसको बताता है सैम फैल्कन स्कॉट को ढूंढ रहा है। हैंक पिन अपनी बेटी को एक सूट दिखाते हैं जिसका नाम होता है द वास्प। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है कैप्टन अमेरिका और सैम वेल्कन जिनके पास बक्की बांस था और वो कहते हैं अब हमारी मदद सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है क्योंकि बाकी सब ने अपना मुंह मोड़ लिया है। तो फैल्कन यहाँ पर एंटमैन का ही जिक्र कर रहा था और इसके साथ ही ख़त्म होता है फेज 2। फेज 3 की पहली फिल्म है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जिसमें एंटमैन और ब्लैक पैंथर की एंट्री होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।